जब अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण बलदेव को ले जाऊंगा, तो सारे ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया, तू अक्रूर नहीं बड़ा क्रूर है, निर्दयी है, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर। जब ज़्यादा परेशान हो गए तो भगवान बोले, काका क्या हो गया, जल्दी कर लो स्नान, हमें मथुरा जाना है। जब दोबारा गोटा लगाया है उन्होंने, तो यहाँ नारायण रूप के दर्शन कराए हैं। भगवान ने माखन मिश्री भी अंतिम बार इसी स्थान पर खाया, भगवान के जाने के बाद में लुप्त हो गई। फिर बज्रनाभ, उन्होंने मथुरा मंडल का शासन किया। वृंदावन में गोविंद देव जी हैं, मथुरा में केशव देव जी हैं, गोवर्धन में हरदेव जी हैं और बलदेव में दाऊजी महाराज हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामा में कामेश्वर। ये ब्रज फिर लुप्त हो गया। 1515 में चेतन महाप्रभु जी महाराज इसी स्थान पर पधारे। इसी स्थान के द्वारा इस वृंदावन को उजागर किया गया है। उन्होंने यहाँ तीन मंदिरों का निर्माण कराया था, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी महाराज। KDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। सेंट्रल चिल्ड्रंस एकेडमी, तुजलास फर्स्ट ग्रोइंग एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सेकेंडरी स्कूल, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत। भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम में हम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का समय है, बहुत ही रमणीय स्थान है और रमणीय यहां का मौसम भी है। और सबसे पहले जहां हमारा ठहरना हुआ है वो स्थान भी दिव्य है, क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है, तभी व्यक्ति वृंदावन धाम आ सकता है। और आज मुझे ऐसा मौका मिला है। और ये देखिए कि सुबह सुबह जो मेरा ठहरने का जो स्थान है, वो स्थान भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अक्रूर जी महाराज के मंदिर का स्थान है। मनोज जी, क्या यहाँ का थोड़ा सा स्थान बताएं जहाँ पर अभी हम सुबह सुबह रुके हुए हैं। ये जो है राधे राधे, ये अक्रूर धाम है, ये वृंदावन का सबसे प्रथम स्थान है। पहले जो वृंदावन था, जब 1515 में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे, ये वृंदावन जो प्राचीन अभी आप अंदर देखने जाएंगे वो लुप्त हो चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। अच्छा। जब चैतन्य महाप्रभु 1515 में ये वृंदावन धाम जब आए थे तो सबसे प्रथम यहीं पर आए थे। जो अंदर आपको झाड़ियाँ देखेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु आके यमुना स्नान किया, विराजमान हुए, जब अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर गोकुल से मथुरा आए थे तो सबसे पहले यहीं रुके थे। ये इसका नाम भी पड़ा है अक्रूर घाट, जहाँ से आगे यमुना है। तो पहले मैं आपको अंदर दर्शन कराता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, फिर आपको अक्रूर जी के दर्शन। चले आइए। मन इच्छा पूर्ण होती है कामधेनु गाँव से। अच्छा, कामधेनु गाय का दर्शन आप सबसे पहले कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जी की चरण चिन्ह यहाँ पर दर्शनों के लिए, यह कामधेनु गौ माता। और अभी यहाँ पर भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है, विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, पांडित्य कर्म के साथ। महाप्रभु का वृक्ष यहाँ विराजमान हुए थे, यही बरका वो पेड़ है। यहीं पर 1515 में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो यहीं विराजमान हुए थे, यमुना स्नान किया, यहीं पर बैठे थे। आज भी चैतन्य महाप्रभु की यहाँ प्रसादी रखी जाती है। अच्छा। कौन खाता है, ना चींटा ना चींटी ना कोई पक्षी, अपने आप ही हो प्रसाद पेड़े पाते हैं। ये उनका चबूतरा स्थान है, उधर हनुमान जी महाराज। ये प्राचीन बरगद का वृक्ष जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपस्या की थी, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण गोविंद ने दर्शन दिए थे, जो स्थान आज भी है। एक ही मुख में पांच मुख हैं, ऐसी मूर्ति पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी की कहीं नहीं मिलेगी आपको देखने की। हर जगह मूर्तियाँ अलग अलग हैं, यहाँ एक ही मुख में पांच मुख आपको देखने को मिलेंगे। केले के वृक्ष, एक जोड़ा है सर्प का, एक सफ़ेद है, काला है, और दूसरा जो काला वाला है वो जब निकलते हैं तो उनके साथ में रानियां भी निकलती हैं। नागिन है, मतलब नागिन है, वो रानी है, वो राजा साहब हैं, उनकी रानियां निकलती हैं 10-20-25 करीब। पर आज तक किसी ने उनको चींटी तक को भी नुकसान नहीं दिया, इंसान तो बहुत दूर की बात है। इसी भर के पेड़ में रहती हैं, किसी का सौभाग्य होता है तो उनके दर्शन भी उनको प्राप्त होते हैं। उनके डाढ़ी जटा, एक सफ़ेद है, काला है, दोनों के दर्शन माने जाते। ये वो प्राचीन वृक्ष है जिसकी महिमा भी बता रहे थे, इसी में वो अंदर रहते हैं। जब किसी का सौभाग्य होता है तो वो दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, तो उन लोग के दर्शन आप लोग को करने को मिलते हैं। नहीं, ये वृक्ष ऐसा ही है जैसा पहला था। इसकी तीन जटा थी, दो जटा इसकी खत्म हो चुकी हैं। ये जटा पहले गेट तक थी, जब इसका कार पूरा किया गया तो इसको काटा गया।
और अब आइए आपको अक्रूर जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। अक्रूर जी महाराज जो कि कंस की सेना में सेनापति थे मथुरा के, और भगवान श्री कृष्ण के भगवान के अनन्य भक्त थे। बहुत ही सुंदर कारीगरी, पत्थर की कारीगरी के साथ यह मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर अक्रूर जी महाराज मौजूद हैं कृष्ण बलराम जी के साथ। कृष्ण बलराम और अक्रूर जी लेके बैठे हुए हैं उनके साथ में। ये जो सवारी छोटा रथ रखा हुआ है इनका, तो इनका चैत्र कार्तिक के महीने में रथ यात्रा होती है, इनको ब्रज में घुमाया जाता है। इधर में कृष्ण बलराम अखरूर जी हैं, ये प्राचीन दर्शन है जो आप इस समय आप कर रहे हो सामने में। इधर में राधेश्याम जी के दर्शन हैं जो इस साइड में ब्राज में। ये प्राचीन अखरूर जी वही स्थान है जो आपने सुना है। बोला अखरूर जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण को गोकुल से मथुरा लेके आए थे रिटर्न, तो सबसे प्रथम यहीं रुके थे। ये वो स्थान है अखरूर जी मंदिर, जहाँ यमुना पे स्नान किया और भगवान श्री कृष्ण ने नारायण होने का उनको स्वरूप, ये स्थान है यहीं पर दिखाया था उनको। यही अखरूर जी मंदिर है और ये वही जगह है जो सबसे प्राचीन वृंदावन बोला गया है। दूसरा वृंदावन है वो राजपुर है, और तीसरा वृंदावन जो आप देखने जाएंगे। अखरूर जी के मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं महाराज जी मेरे साथ में। महाराज जी पहले शुभ नाम बताएं। मेरा नाम ब्रजगोपाल है। महिमा बताएं यहाँ अक्रूर जी के मंदिर किस तरह से। देखिए, जिस समय राजा कंस के राक्षसों का भगवान ने वध किया है, तो राजा कंस घबरा गया कि मेरा शत्रु किस प्रकार से मारा जाए। जो भी ब्रज में जाता है वो मारा जाता है, जीवित वापस कभी नहीं आता है। तो नारद जी की प्रेरणा से राजा कंस ने अक्रूर जी महाराज को भेजा, जो आप दर्शन कर रहे हैं। बीच में अक्रूर जी महाराज हैं, इधर बलराम हैं, इधर कृष्ण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के काका और राजा कंस के यहाँ सेनापति थे। अब कंस ने विचार किया है, यदि मैं और किसी सेवक को भेजता हूँ तो ब्रजवासी भेजेंगे नहीं, तो यहाँ अक्रूर जी को भेजा है। जिस समय अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि मैं कृष्ण बलदेव को लेने के लिए आया हूँ। राजा कंस ने बुलाया है, एक धनुष यज्ञ का मेला रचाया है, उसको देखने के बहाने ये भगवान कृष्ण को लेने के लिए ये अक्रूर जी महाराज यहाँ आए। जब अक्रूर जी ने कहा है कि मैं कृष्ण बलदेव को ले जाऊंगा, तो सारे ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया। तू अक्रूर नहीं, बड़ा क्रूर है, निर्दयी है, तू हमारे बच्चों को मरवाने के लिए ले जा रहा है, वो राक्षस है, हमारे बच्चों का वध कर देगा। भगवान को जाना था, 11 वर्ष 52 दिन भगवान ब्रज में रहे। इसके बाद भगवान को श्राप लगा हुआ था, 100 वर्ष के लिए ब्रजवासियों से वियोग था। तो वो समय नज़दीक आ गया, भगवान कहने लगे, मैया क्यों चिंता करती है, हम 2-4 दिन में दर्शन करके आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। तो रथ में बैठ गए, चलती समय माता यशोदा ने माखन खाने के लिए दिया है कि छोटे बच्चे हैं, कहीं भूख लगे तो उनको माखन खिला देना। जब भगवान इस स्थान पर आए हैं तो देखिए, यहाँ भूमि के 2 भाग हो गए, इधर का भाग वृंदावन का है और इधर का भाग मथुरा का है। तो भगवान को मथुरा तो जाना नहीं था, कारण कि उनको तो वृंदावन में ही रहना है। तो रथ रुकवा कर बोले, काका आप यमुना में स्नान करो, और हमें भूख लग रही है, जो मैया ने माखन दिया है वो माखन हमें खिला दो। भगवान को माखन दिया है और अक्रूर जी स्नान के लिए जैसे यमुना में गए हैं, उनके मन में उथल पुथल हो रही थी, ये छोटे छोटे बच्चे राजा कंस मेरी आँखों के आगे इनको मार देगा, मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। कभी सोचते हैं कि ये नारायण है, कभी सोचते हैं कि ये बालक हैं। जैसे यमुना में गोता लगाया है तो उनको एक आश्चर्य दिखाई दिया, जिस प्रकार से रथ में बाहर बैठकर माखन खा रहे हैं, उसी प्रकार से जल के भीतर भी भगवान माखन खा रहे थे। कभी बाहर, कभी भीतर, कभी बाहर, कभी भीतर। जब ज़्यादा परेशान हो गए तो भगवान बोले, काका क्या हो गया, जल्दी कर लो स्नान, हमें मथुरा जाना है। भगवान को तो मथुरा जाना नहीं था। फिर जब दोबारा गोता लगाया है उन्होंने, तो यहाँ नारायण रूप के दर्शन कराए हैं। तो नारायण रूप के दर्शन करके यहाँ उन्होंने अक्रूर जी ने वंदना की है भगवान की। वो समझ गए कि ये साक्षात नारायण है, कंस इनका क्या बिगाड़ेगा। भगवान यहाँ से गए, कंस का वध किया है, गो द्वारकापुरी की लीलाएं नाना प्रकार की है। ये वो स्थान है जहाँ पर अक्रूर जी को भगवान ने नारायण होने का दर्शन कराया। इसके साथ साथ एक बात भी और है, भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा कि वृंदावन न प्रत्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान ब्रज को छोड़कर गए नहीं, क्योंकि उनका जो नंदन स्वरूप था वो ब्रज में रह गया। यहाँ से आगे वासुदेव नंदन जो स्वरूप था वो मथुरा गया है। भगवान ने नारायण रूप यहाँ दिखाया है, भगवान ने माखन मिश्री भी अंतिम बार इसी स्थान पर खाया।
इसके बाद ना मथुरा में माखन मिला है, ना द्वारका में मिला है। वहाँ तो 56 भोगों प्रभु को अर्पित किए गए हैं, तो माखन मिश्र का भोग भी यहाँ लगा। वृंदावन जो स्थान है वो वैसे भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का स्थान है, जो जन्म तो जैसे मथुरा में हुआ, पलब उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। देखिए ये जो ब्रज भूमि है जिस वृंदावन के आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान के जाने के बाद में लुप्त हो गई, तो इनके पंथी हुए थे बज्रनाभ, उन्होंने मथुरा मंडल का शासन किया। तो उन्होंने विचार किया कि हमारे बाबा यहाँ ब्रज में रहे हैं, उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएँ की हैं, 84 कोष में भ्रमण किया है, तो यहाँ उन्होंने 84 कोष का भ्रमण किया, तो उन्होंने यहाँ 4 देवों का स्थापन किया है, 4 महादेव स्थापित किए हैं। वृंदावन में गोविंद देव जी हैं, मथुरा में केशव देव जी हैं, गोवर्धन में हरदेव जी हैं और बलदेव में दाऊजी महाराज हैं। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर और कामा में कामेश्वर। कामा को भी हमारे यहाँ निज वृंदावन कहते हैं। उनके बाद में उनके वंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो धार्मिक हो। ये ब्रज फिर लुप्त हो गया। 1515 में चेतन महाप्रभु जी महाराज कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन इसी स्थान पर पधारे। यहाँ बराजे चेतन महाप्रभु जी रात्रि को यहाँ 3 पहर विश्राम करते थे। दिन में चेतन महाप्रभु इमली तला वृंदावन में बैठते थे, सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। इसी स्थान के द्वारा इस वृंदावन को उजागर किया गया है। उन्होंने इस समय यहाँ 3 मंदिरों का निर्माण कराया था, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी महाराज। जब मुसलमानों का ज़्यादा बड़ा साम्राज्य हुआ है तो इन 3 ठाकुरों को हमारे जयपुर महाराज अपने यहाँ जयपुर ले गए, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी महाराज। ये 3 ठाकुर हमारे जयपुर गए। जयपुर में जाने के बाद में गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी तो जयपुर में रह गए और हमारे मदन मोहन जी महाराज करौली में पहुंच गए हैं, जो वहाँ दहेज में गए थे। तो बोलिए कृष्ण बलदेव की, ये यहाँ की वो बड़ी महिमा है कि नारायण बने ठाकुर जी यहाँ। भगवान ने अंतिम बार माखन खाया तो यहाँ, ब्रज को उजागर किया तो इसी स्थान के द्वारा उजागर किया गया चेतन महाप्रभु के द्वारा। ये वो स्थान है। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। इस स्थान की महिमा को हमने करीब से समझने की कोशिश की, महाराज जी ने पूरी महिमा के बारे में जानकारी दी। अक्रूर जी महाराज जो कि कंस की सेना में मथुरा के सेनापति थे और भगवान श्री कृष्ण के नारायण के अनन्य भक्त थे, और जिन्हें भेजा गया भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए वहाँ के धनुष उस यज्ञ में, और कंस की मंशा तो कुछ और थी लेकिन सुनो, हंसने की भी एक महिमा है यहाँ पर। मैंने आप जो हंसे उसका घर बसे। जय श्री कृष्णा। ये है वृंदावन धाम जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी वास करते हैं, आज भी रास करते हैं, और ये बहुत ही पावन भूमि है। कहते हैं कि जन्मों के जब सत्कर्म जब जागृत होते हैं तो वृंदावन धाम आना होता है। वृंदावन धाम की यात्रा बहुत ही सुखद होती है, और वृंदावन धाम की ये यात्रा जो इस जत्थे को, इस दल को सुजानगढ़ से लेकर के आए हैं, गोविंद जी गहलोत मेरे साथ में हैं, और उनकी ये कौन सी भी यात्रा है और किस तरह का वो अनुभव करते हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि इनको एक अच्छा अनुभव है। अलग अलग जगह धार्मिक यात्राएं आप करवाते रहते हैं, बहुत सारे दलों को लेकर के भी जाते हैं, तो वृंदावन धाम में आपका आना ये कौन सी बार का ये जो यात्रा है? कहते हैं कि इस जीवन में जो मनुष्य देह मिली है इसमें जो वृंदावन ना आए तो ऐसे देख लो धरती पर आने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा सुना है, बुजुर्गों का कहना है, यह वृंदावन की पावन धन्य धरा जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, खेले कूदे, बड़े हुए, माखन चोरी, अनेकों उनका लीलाएँ यहाँ पर है, और यहाँ पर आना सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। हम यहाँ पर 7 दिन की यात्रा लेकर के आते हैं, वो मन नहीं करता कि हम वापस राजस्थान जाएं, और यहाँ पर अनेकों, यानी कि मैं 10वीं बार यात्रा लेकर के आया हूँ, और मेरी हर यात्रा मंगलम रही है, और आज भी मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान की मेहरबानी ऐसी है कि ये यात्रा मंगलम रहेगी। और नागेश जी का साथ मेरे प्रथम बार है जो कि मेरे साथ वृंदावन आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
केडीए चैनल और मेरे साथ में गौतम गहलोत भी है, छोटा भाई। आप सिंगर भी हैं तो एक कृष्ण भगवान का कोई एक ऐसी दो लाइन दो पंक्तियां जरूर गुनगुना दें। देखो नागेश जी है जो कि भजनों के भी रसिया है। बिल्कुल। अरे आप गायक हैं। कहे तेरी अखियों में पानी, कहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा भाई कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। यहाँ अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाव करवाया कि मैं ही नारायण हूँ, और इस स्थान दिव्य स्थान का हमने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने ब्रज भूमि को फिर से उजागर किया, उन्होंने भी भक्ति यहाँ पर की थी। भगवान श्री कृष्ण की इस महिमा वाली भूमि वृंदावन धाम से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।